नाइन क्लास का चैप्टर नंबर टू पैट्रियटिज्म, इसका पैराग्राफ नंबर वन। पैट्रियटिज्म मीन्स टू लव फॉर मदरलैंड आर डिवोशन टू वंस कंट्री। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियाटा विच मीन्स कंट्री मैन। इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी मीन्स मतलब है मदरलैंड मादरे वतन, डिवोशन अकीदत, वंस किसी की यानी कि किसी शख्स की। पैट्रियाट मुहिब्बे वतन लव्स प्यार करता है, विलिंग ख्वाहिशमंद या फिर तैयार रहता है। सेक्रीफाइस कुर्बान या फिर कुर्बानी, नीड ज़रूरत अराइजेस पड़ती है या फिर उभरती है। कंट्री मैन हम वतन कंसिडर्ड समझी जाती है, कमेंडेबल काबिल तारीफ क्वालिटी खूबी। पैट्रियटिज्म मीन्स टू लव फॉर मदरलैंड आर डिवोशन टू वंस कंट्री। पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी मीन्स मतलब है। पैट्रियटिज्म मीन्स हुब्बुल वतनी का मतलब है टू लव प्यार फॉर मदरलैंड मादरे वतन से या मादरे वतन के लिए। पैट्रियटिज्म मीन्स टू लव फॉर मदरलैंड हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन से प्यार आर या डिवोशन अकीदत टू वंस कंट्री किसी की अपने मुल्क से। पैट्रियटिज्म मीन्स टू लव फॉर मदरलैंड आर डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब किसी शख्स की अपने मादरे वतन से अकीदत या प्यार है। अ पैट्रियट एक मुहिब्बे वतन लव्स प्यार करता है हिज कंट्री अपने मुल्क से। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है एंड और इज विलिंग तैयार रहता है टू सेक्रीफाइस कुर्बान करने के लिए या कुर्बानी देने के लिए। व्हेन द नीड अराइजेस जब जरूरत पड़ती है। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और जरूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियाटा विच मीन्स कंट्री मैन। द वर्ड लव्स पैट्रियट पैट्रियट का कम्स निकला है या फिर माखूज है या फिर आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक लातीनी लव्स पैट्रियाटा पैट्रियाटा से। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियाटा पैट्रियट का लव्स एक लातीनी लव्स पैट्रियाटा से माखूज है या पैट्रियाटा से निकला है। विच मीन्स कंट्री मैन जिसका मतलब हम वतन है। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियाटा विच मीन्स कंट्री मैन। लव्स पैट्रियट एक लातीनी लव्स पैट्रियाटा से माखूज है जिसका मतलब हम वतन है। इट इज कंसिडर्ड इसे समझा जाता है अ कमेंडेबल एक काबिल तारीफ क्वालिटी खूबी। इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी इसे एक काबिल तारीफ खूबी समझा जाता है। पैट्रियटिज्म मीन्स टू लव फॉर मदरलैंड आर डिवोशन टू वंस कंट्री। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियाटा विच मीन्स कंट्री मैन। इट इज कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी। हुब्बुल वतनी का मतलब किसी शख्स की अपने मादरे वतन से अकीदत या प्यार है। एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। लव्स पैट्रियट एक लातीनी लव्स पैट्रियाटा से निकला है जिसका मतलब हम वतन है। इसे एक काबिल तारीफ खूबी समझा जाता है यानी हुब्बुल वतनी को काबिल तारीफ खूबी समझा जाता है। पैराग्राफ नंबर टू।
Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interests of country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are the supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. Strength, kuvat, ya phir taakat, courage, hausla, safeguard, hifazat karna. Interest, fayda, ya phir mafad, country, mulk, nation, qaum. Sovereignty, khud mukhtari, integrity, salmiyat, honor, wakar, ya phir izzat. Supreme, ala, values, अकदार, कंप्रोमाइज, समझौता. रेंडर, पेश करता है. प्रिजर्वेशन, हिफाजत या फिर बका. प्रोटेक्शन, तहफुज. पैट्रियटिज्म गिव्स हुब्बुल वतनी देती है पीपल, लोगों को द स्ट्रेंथ, ताकत एंड करेज और हौसला. हुब्बुल वतनी लोगों को कुवत और हौसला देती है. टू सेफ गार्ड, हिफाजत करने के लिए. द इंटरेस्ट, मफाद ऑफ द कंट्री, मुल्क का एंड नेशन और कौम का. टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री एंड नेशन, मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए. यानी हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए कुवत और हौसला देती है. फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब वतन के लिए. द सॉवरेनिटी, सालमियत, खुद मुख्तारी, इंटीग्रिटी, सालमियत एंड आनर और वकार ऑफ द कंट्री, मुल्क की, आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज, वो अलकदार होती हैं. फॉर अ पैट्रियट, द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड आनर ऑफ द कंट्री आर ऑफ सुप्रीम वैल्यूज. एक मुहिब वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार वो अलाकदार हैं ऑन विच जिन पर नो कम्प्रोमाइज कैन बी मेड, कोई समझौता नहीं किया जा सकता. ऑन विच नो कम्प्रोमाइज कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. पैट्रियट रेंडर, मुहिब वतन पेश करता है. सेक्रीफाइस, कुर्बानी, फॉर द प्रिजर्वेशन, बका के लिए एंड प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऑफ दीज वैल्यूज इन अकदार की. पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज. मुहिब वतन इन अकदार की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुर्बानियां पेश करते हैं. Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are a supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए ताकत और हौसला देती है. एक मुहिब वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और वकार वो अलाकदार हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता. मुहिब वतन इन अकदार की बका और हिफाजत के लिए कुर्बानी पेश करते हैं या फिर कुर्बानियां पेश करते हैं. पैराग्राफ नंबर 3. कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट. He wanted to protect the values, culture, and traditions of the Muslims of the subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said, We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. Builder Mamar wanted, chahte the, कल्चर, सकाफत, ट्रेडिशंस, रवायात, सब कॉन्टिनेंट, बरे सगीर, गेव, दिया या फिर दी, सेंस, एहसास, आइडेंटिटी, शनाख्त, सिक्योरिंग,
हासिल करके या फिर महफूज बनाकर सेपरेट अलहदा मस्त ज़रूर डिवेलप बढ़ाना या फिर तरक्की देना गैल्वनाइजेस प्रो दे यकजा कर दे इकट्ठा कर दे यूनाइटेड मुत्तहिद स्ट्रांग मजबूत। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियाट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मामारे कौम थे एंड और अ ग्रेट पैट्रियाट और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मामारे कौम और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। ही वांटेड वो चाहते थे टू प्रोटेक्ट हिफाजत करना दी वैल्यूज अकदार की कल्चर सकाफत की एंड ट्रेडिशंस और रवायात की ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों की ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर के। वो बरे सगीर के मुसलमानों की अकदार सकाफत और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। ही गेव उन्होंने दी द मुस्लिम्स मुसलमानों को अ सेंस एक एहसास ऑफ आइडेंटिटी शिनाख्त का या शिनाख्त की बाय सिक्योरिंग हासिल करके अ सेपरेट एक अलहदा होमलैंड वतन फॉर देम उनके लिए। उन्होंने मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल करके उन्हें शिनाख्त का एहसास दिया। ही सेड उन्होंने कहा वी मस्ट डिवेलप हमें ज़रूर उजागर करना चाहिए या फिर बढ़ाना चाहिए अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म हुब्बुल वतनी का जज्बा। उन्होंने फरमाया हमें हुब्बुल वतनी का एहसास पैदा करना चाहिए विच गैल्वनाइजेज अस जो हमें परो दे इकट्ठा कर दे आल तमाम को इनटू वन यूनाइटेड एक मुत्तहिद एंड स्ट्रांग नेशन और मजबूत कौम में जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में परो दे या फिर यकजा कर दे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियाट। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम। He said, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah mamare qaum aur ek azim muhib-e-watan the. Woh bar-e-saghir ke musalmanon ki aqdar, sakafat aur rawayat ki hifazat karna chahte the. उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग मुल्क हासिल करके उन्हें शनाख का एहसास दिया। उन्होंने फरमाया हमें हुब्बुल वतनी का एहसास उजागर करना चाहिए जो कि हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम में परो दे।